जय हिंद। सभी देशवासियों को 91 वायुसेना स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारतीय वायुसेना अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। मैंने भी इस वायुसेना को 20 वर्ष तक सर्व किया है। मैं 1993 से 2013 तक इस भारतीय वायुसेना का एक सदस्य रहा हूँ। आज हमारी भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के रूप में जानी जाती है। भारतीय वायुसेना का इस साल का जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन प्रयागराज में हो रहा है, जो कि पहली बार हो रहा है। इससे पहले ये NCR एरिया नोएडा में हुआ करता था, जो कि इस बार प्रयागराज में किया जा रहा है। इस 91 स्थापना दिवस पर एयरफोर्स में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। इस वर्ष की जो हमारी महिला कमांडर है, इस पर की जो परेड कमांडर, वो एक महिला है। उसके साथ साथ में यहाँ पर अग्निवीर वायु नाम से पहली बार महिला अग्निवीरों की टुकड़ी को शामिल किया गया है। वो अपने मेल काउंटर पार्ट के साथ में मार्चिंग करेंगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें जो महिला कमांडर के रूप में, जो अग्निवीर महिला कमांडर के रूप में जो कैडेट है, उसका नाम है दिव्यांशी साहू। वो ऑफिसर्स करियर अकेडमी की छात्रा रही है। तो ये हमारे लिए और हमारी अकेडमी के लिए बहुत ही हर्ष एवं गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ बच्ची आज प्रयागराज में एयरफोर्स डे परेड को लीड कर रही है। उसके साथ साथ आज एक MiG-21 नाम का हमारा एक एयरक्राफ्ट हुआ करता था, जो लगभग 6 दशक तक भारतीय वायुसेना को जिसने बहुत सारी अपनी सेवाएं दी हैं, आज वो लास्ट उसकी सॉर्टी होगी। आज के बाद उसे भी एयरफोर्स से अलविदा कह दिया जाएगा। ये MiG-21 हमने रशिया से लिया था और ये एयरफोर्स के लिए एक रीढ़ की हड्डी से हम बैकबोन बोलते हैं, वो उसने उस रूप में हमने इसको इस्तेमाल किया। इसके साथ एयरफोर्स आज अपना इनसिग्ना भी चेंज कर रही है, जो उसमें जो उसका क्रेस्ट था उसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है। तो ये जो 91 स्थापना दिवस है, इसमें एयरफोर्स बहुत कुछ चेंज करने जा रही है और बहुत कुछ चेंज कर दिया है। जैसे मैंने बताया MiG-21 यहाँ से फेज आउट हो गया है, इसी तरीके से C-259 नया एयरक्राफ्ट हमारे इस एयरफोर्स में शामिल किया गया है। तो इस अलमाइटी एयरफोर्स में जो मैंने सर्व किया है, आज मुझे बहुत ही गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है कि मैं इस वायुसेना का एक सदस्य रहा हूँ। दोबारा मैं पुनः अपने सभी साथियों और देशवासियों को इस 91 भारतीय वायुसेना दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।